के सरदार, इस दुनिया में रहते हैं ये लोग। एक टीवी पे आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया, पनौती। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत। और कल जिस प्रकार से हमने एक वीडियो बनाया था, उसका असर भी देखने को मिला। कुछ पत्रकारों पे हमने सवाल दागे, और सवाल का असर इस प्रकार से हुआ कि जैसे उन लोगों को मजबूरन कोई वीडियो बनाना पड़ा, और मजबूरी में उनको बधाई भी देनी पड़ी। अभिसार शर्मा को आगे आकर, रवीश कुमार जी के मित्र हैं, आगे आकर उन्होंने कहा कि उन लोगों को बधाई, पर उनकी बधाई में कहीं ना कहीं हमें ऐसा नज़र आया जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उन्होंने बधाई के साथ साथ फिर से वही अपना काम जो जिसके लिए मशहूर हैं, उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने एक और टूल वहाँ पर चला दिया है जो कि मोदी मीडिया के नाम से, और उन्होंने रेड टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की। और उन्होंने कहा कि रेड टेक्नोलॉजी में कौन कौन लोग थे और किस तरह से काम हुआ, और किसको उन्होंने, वो गोदी मीडिया ने, उनके कहे अनुसार गोदी मीडिया ने किन लोगों को टारगेट करते हुए इस चीज़ का प्रचार किया। तो मैं अभिसार शर्मा से पूछना चाहता हूँ कि वो कहना क्या चाहते हैं। कहना क्या चाहते हैं से मतलब मेरा है कि वो तारीफ कर रहे हैं, या उनको कोई और खबर की इच्छा थी कि कोई ऐसी खबर आए जिसके कारण वो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, पत्रकारों और देश में फिर से एक ऐसी न्यूज़ चलाएं जिसके कारण इनकी जेब में तो खूब पैसे आए पर किसी के घर में सन्नाटा पसर जाए। तो क्या वो इस तरह की पत्रकारिता चाहते थे? मैं उनसे फिर पूछता हूं कि क्या उनको लगता है कि वहां पर फंसे मजदूर अगर निकाले गए, उनके परिवारजनों को बधाई नहीं देनी चाहिए थी? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि 41 परिवारों को उनके नए जीवन की बधाई दें, मिठाई बांटें, फूल बरसाएं, उनको माला पहनाएं? अगर ऐसा ना करते तो आप कुछ और तरीके से घेरते, अगर ऐसा किया तो आपने इसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढ दिया। फिर भी आप आगे आए, हमारे वीडियो के बाद आप पे कुछ असर आया, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं कि शायद धीरे धीरे हम आपकी सोच बदल पाएं। चलिए, अब काजोल आज मेरे साथ हैं भारत एट नाइन पर। भारत एट नाइन पर आज हम चर्चा करेंगे उन दो वीडियो की, एक तेजस को लेकर और एक पनौती को लेकर। तेजस को लेकर जिस प्रकार से रवीश कुमार जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तेजस में बैठकर अपना प्रचार कर रहे हैं, पहले कभी किसी ने इसका प्रचार नहीं किया। पहले भी राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और कई ऐसे बड़े कद्दावर नेता प्लेन में बैठे, अगर उनका प्रचार नहीं हुआ या मीडिया में नहीं आए तो आपको कैसे पता लगा? तो बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा करो तो उसको बताना भी पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है। पर इसके लिए नहीं हम यहाँ पर आए, हम आए हैं कि तेजस में बैठने पर प्रधानमंत्री का मकसद क्या था। काजोल, आप अपने अपने तरीके से विश्लेषण में बताएं कि तेजस में प्रधानमंत्री का बैठने का असली मकसद क्या होता है। देखिए, तेजस एक फाइटर जेट जो कि पूरी तरीके से दर्शाता है कि हम आत्मनिर्भर हैं। हम बाहर से भी विमान खरीद सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से सक्षम हैं किसी भी तरीके का फाइटर जेट बनाने में। 2016 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, और तब से लेकर अब तक इसकी खूबियों को हमने जाना है और हमने देखा है। 25 नवंबर का वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें उड़ान भरी, और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शायद रवीश कुमार जी को वो तस्वीर अच्छी नहीं लगी। हो सकता है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि 15 लाख व्यूज़ इसमें आ गए तब से लेकर अब तक, तो शायद उन्हें ये कंपटीशन लग रहा हो। अब मैं बताऊं काजोल, इसमें जब कोई घर में नई गाड़ी लेके आता है ना, तो उसकी पूजा भी होती है, मिठाई भी दी जाती है पड़ोस में कि हमने एक नई गाड़ी ली है। इसी प्रकार से देश का प्रधान अगर अपने को
अपने भारत देश को, अपनी सेना को, अपने अपने वैज्ञानिकों को, अपने इंजीनियर्स को ये दर्शाता है कि हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं और आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी पे मुझे बैठने में आज गर्व है और देश और दुनिया को मैं ये बताना चाहता हूँ। तो पहले तक हम आयात करते थे, अब हम निर्यात के लिए भी तैयार हैं। तो ये कहीं ना कहीं पर देश दुनिया को बताने का तरीका है कि जो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है काजू, वो इतना महीन होता है कि एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है, इतना कड़ा होता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और हमने देखा है तेजस का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, उस तस्वीर को थोड़ा सा रिफाइन हम कर देते हैं, जिस तस्वीर का जिक्र एक 22 मिनट का वीडियो पूरा सिर्फ एक तस्वीर पर रवीश कुमार बना देते हैं। मतलब रवीश कुमार को चाहिए कि एक फोटो मिल जाए और चाहे उन्हें दुनिया का भ्रमण क्यों ना करना पड़ जाए, वो उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जरूर निकालेंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया। वो कहते हैं कि कैप्टन एमवी प्रांजल का अंतिम संस्कार किया जा रहा था लेकिन प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे। इसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि ये मुंहतोड़ जवाब है कि जिन्होंने ऐसा किया है वो ये ना समझे, दुश्मन उद्देश्यों को ये जवाब था कि हम पूरी तरह से सक्षम हैं, तेजस पूरी तरह से सक्षम है, भारतीय वायु सेना पूरी तरह से सक्षम है। देखिए, अगर देश का कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी देश का किसी ऐसे फाइटर जेट में बैठता है, उड़ान भरता है, तो उसका मतलब ये है सीधे तौर पर, जहाँ तक हमने एनालाइज किया है, बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, बहुत सारे लेखन पढ़े हैं, यही कहा जा सकता है कि वो ये दर्शा रहा है कि हम सेना के करीब हैं। एक देश का जो मुख्य व्यक्ति है, सर्वोच्च व्यक्ति, वो सेना के बिल्कुल करीब है और सेना सशक्त है हमारी। साथ ही साथ ये भरोसा दिलाने की कोशिश है कि 140 करोड़ की जो आबादी है भारत की, वो पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री के साथ, इतना बड़ा प्रोटोकॉल के साथ, इतने सारे उनके सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं या जो भी सुरक्षा कवच रहता है, वो सिर्फ एक पायलट के साथ उड़ान भर रहा है। तो आप सोचिए, इस चीज को पॉजिटिव तरीके से लीजिए। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये जवाब था, क्योंकि यहाँ जिक्र रवीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री तेजस उड़ान भर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लद्दाख में चीनी सेना, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था, रवीश कुमार खुद नहीं गए थे वहां पे। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप लेफ्ट की वकालत करते करते, और आप ऐसा ना हो कि लेफ्टी हो जाए, हम ये नहीं कहते कि राइट वाले हमेशा सही है। हमने रमेश भिदोड़ी की बात की थी और हमने हर डिबेट में, हर खबर पर रमेश भिदोड़ी को हमने कहा कि वो गलत है और बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए, और हमने हर डिबेट में बीजेपी को उसके लिए घेरा। हम अपनी पत्रकारिता जो जिस तरफ होनी चाहिए, सही और गलत के साथ, हम उस तरफ थे। रवीश कुमार जी ने उस पर भी कुछ ना कुछ, रमेश भिदोड़ी पर तो बोला, पर जब राहुल गांधी कुछ गलत बोलते हैं तो उसका सपोर्ट करने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। नीतीश कुमार पे नहीं आए क्योंकि वो बिहार से थे और ये भी बिहार से हैं, तो नीतीश कुमार, महिलाओं का इतना बड़ा अपमान नीतीश कुमार ने किया, जो आप समझ सकते हैं कि दो पार्टनर्स भी आपस में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, और वो भाषा का प्रयोग विधानसभा के अंदर हुआ, किस तरह से उन्होंने उस, मैं बोलूंगा कि उस कांड को उन्होंने किस तरह से विश्लेषण किया नीतीश कुमार ने, वो शर्मनाक था। और शर्म से पूरे देश की आंखें नीचे हो गई। महिलाओं के साथ तो जो हुआ वो हुआ, पर बोलते हैं कि आदमियों की भी आंखें नीचे हो गई कि कैसे हमारे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते। तो उस पर इनका कोई वीडियो नहीं आया, ना इन्होंने कोई उस पर सफाई दी। बिल्कुल, जहाँ जहाँ जवाब देना होता है ना जनता को, तब इनका कोई वीडियो नहीं आता। उत्तरकाशी पे अब तक इनका कोई वीडियो नहीं आया है, दो दिन हो चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि इस वीडियो को, जितना मैंने देखा इस वीडियो को, इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने निकाल कर सामने रख दी कि इसकी रिकॉर्डिंग बता रही है कि सिर्फ प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए ये किया गया। प्रधानमंत्री को क्या दिखाने की ज़रूरत है, वो अपने आप में प्रधानमंत्री है, वो किसी एक के प्रधानमंत्री नहीं है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर वो जिक्र करते हैं कि इनसे, यानी कि जो सत्ता है, जो केंद्र सरकार है, उनसे कोई जवाब ना ले मणिपुर पर, अग्निवीर पर, चीन के दबदबे पर, इनसे कोई ना पूछे। मणिपुर पर हमने चर्चा की है, हमने अग्निवीर को लेकर भी सवाल किया सरकार से, चीन का जो दबदबा है अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो उस पर भी हमने चर्चा की है। और जो सरकार से सवाल बनते हैं वो सवाल पूछे जाते हैं। शायद आपने जो चश्मा लगाया है, आपने सिर्फ वो नेगेटिविटी का चश्मा लगाया है, और वही आप चाहते हैं कि देश की आधे से ज़्यादा आबादी वो चश्मा पहन ले और उसी चश्मे से फिर पूरे देश को देखे। मैं इसमें और बता दूं
कि रवीश कुमार जी को कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना भी अब नज़र आ रही है। उनको बड़ी एक आपको विचित्र सी बात बता दूं कि प्रधानमंत्री का यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पे उनसे ज़्यादा फॉलो किए गए लोग, उनके इस तेजस वाले विमान पर फोटो को 15 लाख लोगों ने उनको देखा, मतलब 1.5 मिलियन लोगों ने उनको देखा। उस बात की उनको कॉम्पिटिशन की भावना हुई कि यार मेरे उसमें तो 1 मिलियन आते हैं, इनमें 1.5 आ गए, तो रवीश कुमार जी कहीं ना कहीं उनको अपना कॉम्पिटिटर भी मान के बैठ गए हैं। तो चलिए, ये तो हुई इनकी तेजस को लेके हमने समीक्षा की। आगे बढ़े उससे पहले एक और तस्वीर का जिक्र करूंगी। यहाँ पर कुछ अखबारों का जिक्र रवीश कुमार करते हैं, मतलब आप खुद पत्रकार हैं, आप एक बड़े चैनल में, प्रतिष्ठित चैनल में काम कर चुके हैं, और आप किसी भी अखबार को या किसी भी टीवी चैनल को आप सीधे तौर पर टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने ही भाई बंधुओं को टारगेट किया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर में जो तेजस के साथ खींची गई थी कुछ भी खास नहीं था, लेकिन कुछ अखबारों ने उन्हें फ्रंट पेज पर छाप दिया है। मतलब आप बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि इसमें क्या नेगेटिविटी है, अगर अखबार ने छापा है वो बहुत मजबूताई के साथ आगे हम बढ़ रहे हैं। है कि आप बोल रहे हैं बुरा ढूंढने चलेंगे तो बुरा ही मिलेगा, वो बुरा ही देखते हैं तो उनको बुरा ही मिलता है। उनको चाहिए नहीं कि प्रधानमंत्री की फोटो कहीं फ्रंट पेज पर आए या बीजेपी की कहीं बात हो। आपको काम करना चाहिए। आप रवीश कुमार जी को, अभिषार शर्मा जी को और उनके और कई मित्र ऐसे हैं जिनको सवाल पूछने चाहिए। हम भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आपको भी सवाल पूछने चाहिए। सही और गलत की सराहना भी होनी चाहिए, गलत को पूछना चाहिए, सही की सराहना होनी चाहिए, पर एक तरफा नहीं। इसी प्रकार से पनौती के ऊपर इन्होंने पहले, मैं आपको पहले जिक्र कर दूं कि अब किस तरह से रवीश कुमार जी ने पनौती को पहले, पनौती बोलने से पहले क्रिकेट के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उन्होंने कहा कि मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, जानकार नहीं हूं क्रिकेट का, जो लोग इसको कवर कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे होंगे, तो हमने सिर्फ एक फोटो डालकर इसको ख़त्म किया है क्योंकि मैं इसका विशेषज्ञ हूं। पर जैसे ही राहुल चाचा उनके तुरंत कोई पनौती शब्द बोलते हैं तो कुछ ही घंटे बाद उनके बीच बचाव में रवीश कुमार जी 1000 किलोमीटर दूर जाकर पनौती गाँव ढूंढ लाते हैं और ये कहते हैं कि पनौती जो शब्द है वो तो शुभ का प्रतीक है, नेपाल में ये पनौती नाम का एक गांव है, और पूरे गांव की उन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी सब ढूंढ लाए। और राहुल गांधी को बचाते हुए उन्होंने कहा कि पनौती शब्द उन्होंने कोई गलत नहीं कहा किसी। अरे भैया, इसे कहते हैं जुझारू पत्रकार, डेस्परेशन की किसी भी तरीके से राहुल गांधी को सही दिखाना सही है दिखाना। और मोदी को गलत दिखाना है। तो राहुल गांधी को उन्होंने बचाते हुए कहा। तो जैसे मैं आज एक वाक्य की बात करूं, क्या रवीश कुमार जी भी वैसे ही हो गए हैं जैसे भाषण देते देते राहुल गांधी आलू की फैक्ट्री लगा देते हैं? क्या रवीश कुमार आलू से सोना बनाना शुरू कर देते हैं? आलू की फैक्ट्री लगा देते हैं तो रवीश कुमार जी पनौती को ढूंढते ढूंढते जो भाषा बोलते हैं, जो भाषा हमारे देश में उन शब्दों के एक मायने हैं, उन शब्दों को बचाने के लिए नेपाल चले जाते हैं, तो ये कहीं गलत है। आज मैं खुलेआम कह दूं, रवीश कुमार जी आप उल्लू हो, निहायत ही उल्लू हो, तो कल अगर आपको ये उल्लू शब्द से परेशानी हो तो ये तो लक्ष्मी की सवारी है, आपको इससे परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। तो उल्लू शब्द को अगर आप पॉजिटिव देखना चाहें तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव देखना चाहें तो नेगेटिव होगा, पर मैं नेपाल जाके उल्लू शब्द का अर्थ नहीं ढूंढ के लाया हूं, मैं शब्द यहीं पे बनाया है, यहीं बात कर रहा हूं। रवीश कुमार भी बेहतर जानते होंगे इस बात। रवीश कुमार भी बेहतर जानते होंगे और जितने भी उनके जिनकी वकालत वो कर रहे हैं उल्लू शब्द का मतलब वो भी ढूंढ लें। बिल्कुल, पनौती शब्द का जिक्र कहाँ से होता है? हमारा मेज़बानी वर्ल्ड कप 2023, हमारा वर्ल्ड कप में टीम पहुंचती है और ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है, बाकी बहुत अच्छा खेला, लेकिन उस हार का ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोड़ दिया क्योंकि किसी कारणवश वो चले गए वहाँ मैच देखने के लिए, अपनी टीम की हौसला अफजाई करने के लिए। बस तब से पनौती शब्द ट्रेंडिंग होने लगा और फिर राहुल गांधी ने शब्द को पकड़ लिया और फिर चुनावी रैली में इसका इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो मूर्खों का सरदार बोला था, लेकिन ये हिस्ट्री है, इतिहास है, अब तक आप उठा लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी
राहुल गांधी का नाम डायरेक्टली नहीं लिया है। ये फैक्ट है, मैं ये नहीं कह रही कि प्रधानमंत्री सही है या राहुल गांधी सही है, बस शब्दों की बात होनी चाहिए। मैं दोनों के, मैं इस मामले में दोनों के साथ नहीं हूँ, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सही कहा या गलत कहा, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। और दूसरा, उन्होंने INDIA की बात की थी और वहां पर उन्होंने मूर्खों के सरदार, तो मूर्खों के सरदार तो नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, मूर्खों के सरदार राहुल गांधी ने अपने ऊपर ही क्यों लिया? क्या वो सही में प्रधानमंत्री, एक तरफ तो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता और ऊपर से अपने आप को सरदार भी मान लेते हैं, तो ये INDIA के अंदर पूछना पड़ेगा कि तुम्हारा सरदार कौन है पहले। तो सरदार अगर राहुल गांधी हैं तो फिर उनको सही में लेना चाहिए। एक तरफ वो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे देश सेवा करनी है और मोहब्बत की दुकान चलानी है, तो मोहब्बत की दुकान में पनौती का शब्द का प्रयोग तो नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने खुलेआम, मैं खुद फिर कहूँ, खुलेआम PM मोदी मतलब पनौती मोदी शब्द से संबोधित किया। और वो जो बयान है वो हम आपको सुनाना भी चाहेंगे, फिर वापस लौटेंगे। एक TV पे आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती, PM मतलब पनौती मोदी, बयान भी सुन लिया, पनौती शब्द भी सुन लिया, पनौती गांव के बारे में भी जान लिया कि किसी देश में पनौती नाम की कोई गांव है। थोड़ा सा और डिटेल दे देते हैं अपने दर्शकों को, जितना रवीश कुमार जी ने डिटेल हमें बताया उतनी डिटेल मैं दे देती हूँ। पनौती शब्द का संबंध धार्मिकता और पवित्रता से वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि 13वीं सदी का इंद्रेश्वर महादेव मंदिर है जिसे पनौती मंदिर कहा जाता है। अगर ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी और ने बोली होती तो क्या कांग्रेस का हो हल्ला नहीं होता? बिल्कुल होता, संसद के बाहर धरने प्रदर्शन पर ये बैठे होते। अब देखिए, अगर इस पूरे पनौती शब्द की मैं बात करूं तो यहाँ पर राजनीति का जिक्र करते हुए रवीश कुमार कहते हैं कि 2014 के बाद से राजनीति में शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही ख़राब तरीके से होने लगा है। उन्होंने ये कहा कि पहले भी होता था लेकिन अब जो स्तर है, जो मर्यादा है, वो पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। JNU का जिक्र करते हैं जी। नाम जुड़ा हुआ है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, तो JNU का जिक्र वो करते हैं। कहते हैं कि JNU को गाली के रूप में लिया जाता है। हमारे दिल्ली में एक बहुत ही फेमस मार्केट है, सुंदरनगर खान मार्केट, बहुत ही फेमस है, उसका जिक्र करके कहते हैं कि वहाँ जो लोग जाते हैं मार्केट करने के लिए, कुछ खाने के लिए, वो लोग खान गैंग से रिलेट करते हैं। अब कितनी नफरत फैलाएंगे, कितना हिंदू मुसलमान करेंगे हर चीज़ में? देखिए, ऐसा है काजोल कि रवीश कुमार जी का हमारे विश्लेषण में पूरा हमने पनौती, राफेल और इन सभी मतलब तेजस को लेकर बात करी। प्रधानमंत्री चाहते तो राफेल में भी बैठ सकते थे, सुखोई में भी बैठ सकते थे। और राफेल हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा सेफ, आज की डेट में हमारी सब जो प्रोक्योरमेंट में आए 32 या 34 जहाज आए हैं, सबसे सेफ माने जाते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के, उसमें भी बैठ सकते हैं। हमने खरीद लिए तो हमारे हैं, पर उन्होंने परिचय दिया कि मैं अपने स्वदेशी विमान में बैठा, उसका परिचय दिया और ताकत का बताया कि हम अब सक्षम हैं। तो इसी प्रकार से दोनों पर हमने बात की। फिर हम बता दें कि भारत 89 का मकसद सिंपल है कि आप कोई गलत बात कहेंगे, हम उसका विश्लेषण करके आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप जो प्रोपेगेंडा और आपके जो मकसद कि लेफ्ट के आने पर आपको क्या मिलने वाला है, कौन सी राजनीति मिलने वाली है, कौन सी गद्दी के आप हकदार हैं, आप जनता के साथ नहीं कर सकते। आपको गलत ठहराने के लिए भी हम लोग हैं, और अगर आप सही आईना दिखाने के लिए अगर आप कुछ सही करेंगे तो हाँ, अगर कुछ अच्छा करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग हैं, आपकी तारीफ करने के लिए भी हम हैं। ना हम आपके लेफ्ट में हैं, ना आपके राइट में, हम आपके ठीक सामने हैं और आपके बारे में हमेशा जिक्र करते रहेंगे। लेकिन यहाँ आपको ये समझना है, मैं सीधे तौर पर रवीश कुमार जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको ना तो देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है, ना आपको देश की उन टीमों पर भरोसा है जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं। यहाँ वो जिक्र करते हैं कि भाषा की मर्यादा जब टूटती है तो ED बचा लेती है, सुप्रीम कोर्ट तक को वो ले आए हैं, तो मतलब आपको विश्वास किस पे है?
किस पे विश्वास है, आप हमें ज़रूर बताएं कि आप किस पर विश्वास करते हैं। हम भी उस पर बात करेंगे कि हाँ, रवीश कुमार जी को इस चीज़ पर विश्वास है, चाहे वो केंद्रीय एजेंसी है, चाहे वो कोई पार्टी है। अगर आपको कांग्रेस पर विश्वास है, अगर आप कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो खुल के बोलिए ना, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। बिल्कुल, आपको अगर लेफ्ट में रहना है और लेफ्ट में आपकी कोई इच्छा शक्ति है, देखिए वैसे हार्ड मास से बना हुआ व्यक्ति कुछ ना कुछ इच्छाएं तो होती हैं, हम में भी हैं, तुम में भी होंगी, कुछ ना कुछ तो होंगी, तो आप इच्छा शक्ति को बताएं कि हमारी इच्छा शक्ति राजनीति में आने की है, हम राजनीति करना चाहते हैं, तो आप सही हो सकते हो। पर आप कैमरे के सामने बिल्कुल इस तरह से आप दिखाना चाहते हो, पैसे भी कमाना चाहते हो व्यूज़ से, और लेफ्ट का सपोर्ट करते हुए, गलत बात का, मैं लेफ्ट का सपोर्ट नहीं, गलत बात का सपोर्ट करते हुए लोगों को भरमा नहीं सकते। तो रवीश कुमार जी, अभिषार शर्मा जी, अजीत अंजुम जी और ऐसे कई हमारे सीनियर पत्रकार देश में अपने व्यूअरशिप का गलत फ़ायदा ना उठाएं, लोगों को भरमाएं नहीं। आप ये ना समझें कि आपका सामने आने से आप किसी चीज़ को बदल सकते हैं। सभी जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, और आज देश की आधी से ज़्यादा आबादी पढ़ी लिखी हो चुकी है, तो आपकी बातों में नहीं आती। आपके कुछ फ़ैन हो सकते हैं, और आपके फ़ैन को हो सकता है कुछ आप लोग प्रलोभन भी देते हो, जिस तरह से आप ऑन वीडियो आप पैसे मांगते हो, तो ऑफ वीडियो आप पैसे देने की भी बात करते होंगे, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा। पर आप अपना एजेंडा क्लियर करें, सामने आए, सामने आके किसी पार्टी को ज्वाइन करें, तो आपकी बातें सारी सही और गलत बोली जा सकती है। बिल्कुल, और भारत एट नाइन में आगे भी इस तरह की वीडियो के विश्लेषण हम करते रहेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज कोई ना कोई विश्लेषण करेंगे, गलत पत्रकार, गलत नेता, गलत अधिकारी हम किसी ना किसी पे रोज बोलते हुए नजर आएंगे, या देश में कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर भी हम बोलेंगे, पर हम वो पक्ष भी दिखाएंगे जहाँ कुछ सही हो रहा है, जहाँ कुछ होने से कुछ परिवर्तन आया है, देश में एक सकारात्मक भावना उठी है, सकारात्मक भावना आई है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। महिलाएं कितनी सुरक्षित हुई हैं, कितने रोजगार आए हैं, कितने महंगाई बढ़ी है, सब पे हम चर्चा करेंगे। तो भारत एट नाइन प्रोग्राम सिर्फ अपोजिशन का नहीं है या अपोजिट को घिरने का नहीं है, भारत एट नाइन प्रोग्राम आपको सच्चाई से रूबरू कराने का है, और आप इसे रोज देखें, अपने व्यूज़ कमेंट जरूर दें, हम आपके कमेंट्स के भूखे हैं और आपके विचारों के भूखे हैं, ताकि आप हमें जब भी कोई कमेंट देते हैं तो हम उस पर काम करते हैं। तो तब तक के लिए भारत एट नाइन देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से बने रहें। जय हिंद, जय भारत।